हैं खबरों की ओर। जी और सोनी के मर्जर को लेकर ईडी नॉर्थ स्वदेश ने सबसे पहले आपको खबर दी थी और अब उस पर मुहर भी लग गई है। सीसीआई ने सशर्त इस मर्जर को मंजूरी दे दी है। आखिर क्या है ये शर्तें, जानते हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल से। जी, हमने सबसे पहले आपको ये न्यूज़ ब्रेक दिया था कि कंपटीशन कमीशन ने जी और सोनी के मर्जर को अपना अप्रूवल दे दिया है, लेकिन कुछ कंडीशंस लगाकर। तो अब जो कंपटीशन कमीशन ने अपना ट्वीट जारी किया है, उसके बाद ये न्यूज़ ब्रेक कंफर्म हो चुका है कि जी और सोनी के मर्जर को कंपटीशन कमीशन का अप्रूवल आ चुका है, लेकिन उनको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो कंडीशंस रखी गए हैं वो कुछ चैनल्स को आइदर सेल करने की है या फिर उन्हें बंद करने की है। तो ये देखना रहेगा अब कि कितने जल्द ये कंडीशंस जो हैं वो कंप्लाई करते हैं जी एंड सोनी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जो सारे मॉडिफिकेशंस जो उन्हें करने हैं वो दोनों पार्टीज़ को ही कन्वे कर दिए गए हैं। ये भी हम जानते हैं, हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जी और सोनी दोनों ने अपना रिप्रेजेंटेशन किया था कंपटीशन कमीशन के सामने अपने ये जताने के लिए कि किस तरह से वो जो अपनी मार्केट डोमिनेंस है उसका यूज नहीं करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जियो और सोनी का मर्जर होने के बाद जो एंटरटेनमेंट सेक्टर में जो एक बड़ा बहमत क्रिएट होगा, उसके 80 से भी ज़्यादा चैनल्स रहेंगे। तो इसी को लेकर काफ़ी आशंकाएं थी कंपटीशन कमीशन को कि वो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के लिए प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, डीटीएच से कंज्यूमर्स से जो डीटीएच प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा प्राइस डिमांड कर सकते हैं। इसी को लेकर काफ़ी आशंकाएं थी कंपटीशन कमीशन के मन में, जिनको राहत देने के लिए जिसको उन्होंने रिप्रेजेंटेशन रखा था। और अब ये मानना रहेगा कि जो सारे जो कंसर्न्स हैं वो कंपटीशन कमीशन के दूर हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने कुछ कंडीशंस के साथ अपना अप्रूवल दे दिया है।